उत्तराखंड में 2021 का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा फल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषित किया। पूरे उत्तराखंड में हाई स्कूल में 147,725 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से कुल 146,386 पास हुए। कुल परिणाम 99% रहा। वहीं इंटरमीडिएट में 121,705 बच्चे सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 121,171 बच्चे पास हुए, जिसका परिणाम 99.56% रहा। रामनगर से रोशनी पांडे की रिपोर्ट। हमारे बोर्ड के माध्यम से आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा फल घोषित हुए हैं। परीक्षा फल परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सकारात्मक और संतोषजनक है, क्योंकि इस कोविड काल में बच्चों के जीवन को बचाना पहली प्राथमिकता और उनकी जीवन को बचाने के साथ साथ उनकी शिक्षा का, उनकी योग्यता का परीक्षा फल के माध्यम से परिणाम देना भी बहुत आवश्यक था। तो उसी के तहत हमने सरकार ने मानक बनाया और उस मानक के अनुरूप हमारे बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया और जो परीक्षा फल बनाया है इसमें हाई स्कूल में और इंटर में जो विशेष योग्यता जिन बच्चों ने हासिल की है, जिन्होंने प्रथम श्रेणी में पास किया है, जिन्होंने द्वितीय श्रेणी में पास किया है, मैं इस समस्त बच्चों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो जीवन में ऐसे आगे बढ़ते जाएं। और इस योग्यता को हासिल करने में उनके अभिभावकों का भी बहुत कठिन एक प्रयास बच्चों के साथ रहा है। अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ ही जो बच्चों ने आज परीक्षा पास की है इसमें उनके शिक्षक भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, तो उन समस्त शिक्षक भाई बहनों को भी मैं शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा, जिनके त्याग तपस्या बलिदान की बदौलत आज बच्चों ने अच्छे परीक्षा फल हासिल किया है। मैं सबको जीवन में सब आगे बढ़े मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।